नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। जनपद बहराइच में कल चौथा भेड़िया पकड़े जाने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने जरूर थोड़ी सी सांस ली होगी। डर का साया लेकिन अभी भी इलाके में बरकरार है। वन विभाग के मुताबिक अभी भी दो भेड़िए अपने शिकार की तलाश में खुलेआम घूम रहे हैं और वो अभी भी वन विभाग की पहुँच से दूर है। वहीं आदमखोर भेड़िए को लेकर अगर वन विभाग की कार्यशैली पर बात करें तो बहराइच के आसपास के चार जिलों के डीएफओ भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग 18 अलग अलग टीमें बनाकर मसही इलाके में सर्च अभियान चला रही है, जिसकी बदौलत कल एक भेड़िया वन विभाग के पिंजड़े में कैद हो गया। विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाजा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हमें कह रहे हैं कि रात में होशियारी से सो। यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो है ये जानवर इन्हें पकड़े। सर, क्या लगता है वन विभाग को स्ट्रेस कर पाया है कि भेड़िए के हमले क्यों हो रहे हैं? विगत 10-15 साल 20 साल में ऐसी कोई घटना नहीं, अचानक हमले क्यों हो गए? देखिए, ये तीन तो हमने पकड़ लिए, तीन भेड़िए पकड़ लिए गए और बाकी ट्रेस हो गए हैं। हम समझते हैं कोई दिन जा रहा है, हम और पकड़ लेंगे। किस तरीके से हमला करता है? देखिए, जो भी अभी मैं तो दो दिन पहले जो मैंने इंसिडेंट्स जो चेक करने शुरू किए हैं, जो कल वाला जो इंसिडेंट था उसमें एक बच्चा था जिसको ये किया था, उस पर हम नॉर्मली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी साइनेजेस हैं उनको चेक करते हैं। उसके बेसिस पे जो आपके पग मार्क्स है या लोगों की आप देखी है या कोई क्लॉ मार्किंग्स है इस टाइप की, अब उसमें पग मार्क्स में जो है उसमें भी क्लियरली दिख के आ रहा था कि एक वुल्फ है, 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास के पग मार्क्स हैं जो उसमें दिख रहे हैं। लेकिन उन पग मार्क्स के जो दोनों साइड की जो स्टेप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था, यानी एक पैर थोड़ा दबा के चल रहा था, एक पैर हल्का चल रहा है, विच मीन्स उसके एक पैर में किसी न किसी एक में नुक्स है। ये तीन हैं जो एक साथ चलते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो जो ट्रबलसम किस्म का जिसे हम कह सकते हैं उसके, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इंजरी है और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ ही है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। देखिए, आज का दिन बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था, तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से इसी जून में ट्रांसफर कर देंगे। आपको हम बता दें कि ये आदमखोर भेड़िए अब तक एक महिला समेत 9 लोगों का शिकार कर चुके हैं। इन घटनाओं के बाद वन विभाग की सतर्कता बढ़ गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 26 अगस्त से घटनाएं नहीं हुई हैं। पिछले 3 दिनों से कोई घटना अभी दर्ज नहीं हुई है। अगर गांव की सुरक्षा की बात करें तो गांव की सुरक्षा का जिम्मा अब ग्रामीण खुद उठा रहे हैं। शाम होते ही गांव के कुछ लोग हाथ में लाठी और गोला लेकर गांव के अलग अलग चौराहे पर बैठकर रखवाली कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर लगभग हर गांव में मुनादी कराई जा रही है कि सभी लोग रात में घरों में सोएं और सुरक्षित रहें। वहीं मौजूदा स्थिति की बात करें तो वन विभाग के मुताबिक अभी 2 भेड़िए वन विभाग की पकड़ से बाहर है। वहीं गाँव की पहरेदारी कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में दर्जनों भेड़िए हैं जो खुलेआम गन्ने के खेत में घूम रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।